खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां शालीमार बाग इलाके में एक युवक से मोबाइल लूट रहे बदमाशों से 12 साल का बच्चा भिड़ गया। खुद को फंसा देखकर बदमाशों ने बच्चे को गोली मार दी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक शालीमार बाग सी ब्लॉक निवासी रवि कुमार कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हुए। इसी को लेकर रवि और उसका बेटा यश ट्रक से सामान निकाल रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद मुबारक भी वहां पहुंच गए। वो भी सामान उतारने में उनकी सहायता करने लगा। इसी दौरान मुबारक के मोबाइल पर फोन आया और वो बात करते हुए कुछ दूर आगे बढ़ गए। वो बात ही कर रहा था कि बाइक सवार दो युवक आए और उसके सर पर पिस्टल सटा, जिन्हें देख यश और उसके पिता बदमाशों की ओर दौड़े और उन्हें दबोच लिया। यश ने एक बदमाश को पकड़ भी लिया, तभी लेकिन दूसरे साथी ने बच्चे पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली यश की बाह में लगते हुए आर पार हो गई। इस घटना के बाद दोनों बदमाश मुबारक का फोन लेकर फरार हो गए। मैं यहाँ पर खड़ा था, है ठीक है, अब अपने पापा के साथ है और ना वहाँ पर ना दो पल्सर गाड़ी पर चोर आए, ठीक है, फिर ना मैं भी सोचा ना ये है ना नकली है, ठीक है, और ना भैया पे ना यहाँ पर लगा दी बंदूक यहाँ पे, ठीक है, और ना बोले फोन दे दे, बोले दे रहे थे ना, बोले थे मारूं, फिर ना बोल रहे थे ना वो ले जा। तो आपके कैसे लगी गोली? मैं ना वहाँ पर खड़ा था ना, उन्होंने ना फायर कर दी थी। अच्छा, तुम खड़े थे वहाँ पे? हाँ। गोली लगी, फिर क्या रहा? आप लोग ने कुछ बोला होगा? नहीं, कुछ नहीं बोला था। फिलहाल रवि की हालत बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने भी शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।